भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। वो 21 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से एक परीक्षण यान के प्रक्षेपण के साथ ही गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करेगा। इसरो ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि मिशन गगनयान TBD1 परीक्षण उड़ान 21 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से निर्धारित है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 21 अक्टूबर को TBD1 परीक्षण उड़ान के बाद गगनयान कार्यक्रम के तहत 3 और परीक्षण यान मिशन शुरू किए जाएंगे। इसरो ने गगनयान परियोजना के तहत मानव दल को पृथ्वी की 400 किलोमीटर की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करके उसे भारतीय समुद्री सतह पर उतार कर पृथ्वी पर सुरक्षित रूप से वापस लाने की यान की जो क्षमता है उसका आकलन करने और मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करने की परिकल्पना है। परीक्षण यान की उड़ान का उद्देश्य क्रू मॉड्यूल का परीक्षण करना है जो अगले साल के अंत में मानव अंतरिक्ष उड़ान के दौरान भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाएगा। TBD1 परीक्षण उड़ान में मानव रहित क्रू मॉड्यूल को बाहरी अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करना है। इससे पृथ्वी पर वापस लाना और बंगाल की खाड़ी में उतारने के बाद इसे पुनः प्राप्त करना शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट TV24 लखनऊ।